तुम पक्का बनाएंगे आ, प्रोसेस में है तो वर्ल्ड सिनेमा ने देखा लाइफ से सीखा है मतलब हमारे लिए सीखने के लिए जो मैंने मेरी जिंदगी की पहली डेनिम पहनी थी वो सलमान खान को देख के पहनी थी शाहरुख खान से आपको ऐसा लगा कि यार इतना चाम मतलब शाहरुख खान का पाँच परसेंट भी चाम नहीं है तो आपको जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है और आमिर खान से सीखा कि यार काम के एथिक्स क्या होते हैं कि कैसे एक ही काम करो पर शिद्दत से करो तो सक्सेस जो है बाय प्रोडक्ट है तो मुझे लगता है कि वो अगर ऐसा होता है तो उसका ये बहुत रहा है कि मेरे पर आमिर खान का बहुत इन्फ्लुंस रहा है

पर जहाँ तक तुम बाड़ की बात है डेफिनेटली लोगों की बहुत जब भी मैं कुछ ट्वीट करता हूँ कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो कमेंट्स ही आते हैं कि तुम बाढ़ टू कब बन रही है तुम बार टू कब बन रही है या तुम बाढ़ को री रिलीज़ कर दो थिएटर में आ, पर री रिलीज़ करना पॉसिबल नहीं है इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है तो एक बार रिलीज होगी बहुत है पर हाँ हम तुम बाड़ टू पक्का बनाएंगे प्रोसेस में है पर स्टोरी अभी क्रैक नहीं कर पाए हैं चार पाँच साल हो गए हमें करते हुए आ, पर क्योंकि कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो तुम्बाड़ के स्टैंडर्ड का हो कि हमें तो एटलीस्ट लगे कि यार हमने जस्टिस किया कि तुम को बहुत प्यार मिला इसलिए बना दें ये वैलिड रीजन नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं कि यार अभी तो ये फिल्म आ गई वो फिल्म आ गई तुम अपने आप में इतनी नया था यू शुड मेक तुम्बा टू एटलीस्ट अनाउंस तो मुझे लगता है कि नहीं यार जब तक स्टोरी क्रैक नहीं हो तब तक आगे बढ़ने का कुछ मतलब नहीं है पर तुम्बाड़ के अलावा ऑल्सो यू नो तुम्बाड़ से राइम करता हुआ वर्ड है दहाड़ तुम्बाड़ हाँ, हाँ, so, से दहाड़ तक का आपका सफर कैसे रहा बहुत ही मजेदार सफर रहा मेरा तुम्बाड़ से दहाड़ तक का और तुम्बाड़ से पहले तक का भी मुझे लगता है कि दस साल करीब हो गए मुझे इस यहाँ पर और अभी मैं किसी को बता रहा था कि जब मैं पहली बार आया था बॉम्बे तो मैं ये हॉलीडे न हुआ करता था नोविटल मैं वहाँ रुका था और मैं बीच पे गया था और वहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था और ऑटो से मैं आया और उससे मैं मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे दस बारह चौदह साल पहले की बात होगी और मैं कुछ एक्टिंग कोर्स करना चाहता था मैं उसके लिए गया मैं जब वापस लौट रहा था मुझे इतना डर लग रहा था मुझे इतना इंटिमिडेटिंग शहर लग रहा था कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा और आज मैं यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है और इस जर्नी में मुझे लगता है कि सबसे फ्रूटफुल मेरे लिए रहा है इरफान साहब के साथ काम करना कि मुझे वो मौका मिला उनसे सीखने का कि उनके साथ रहने का तो बहुत कुछ सीखा मैंने तो बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है तुम बार से पहले की भी कि शिप ऑफ थीसिस क्योंकि स्ट्रगल भी आपको बहुत कुछ सिखाता है कि आपको लगता है कि आप फिट नहीं हो रहे कि कैसे सीखोगे आई एम अ बिजनेस मैन की और आई थिंक बिजनेस और आर्ट सबसे अपोजिट चीज़ें हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं तो वो सब स्ट्रगल का जो पीरियड था उसमें सीखने को मिला फिर तुम्बार से बहुत प्यार मिला उसके बाद महारानी आई अब दहाड़ में बहुत प्यार मिल रहा है तो मुझे लगता तो है बहुत मजेदार जर्नी रही है बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी रही है बात करते हैं महारानी की उस उस प्रोजेक्ट के लिए आपने काफी लाइक यू यू नो हैड लेट गो ऑफ ऑफ अ लॉट थिंग्स कमिंग ऑन तो आपने दहाड़ के लिए ऐसा क्या स्पेशल स्टेप लिया था दहाड़ और महारानी साइमिली चल रही थी तो वो एक ही टाइम था कि मैंने दहाड़ भी लिया हुआ था महारानी भी ली हुई थी और दहाड़ के साथ बहुत ये था कि जब हमने शुरू किया था तो फर्स्ट जो हमारा शूट था उसमें कोविड आ गया था तो शूटिंग रोकनी पड़ी उसके बीच में मेरी महारानी शुरू हो गई तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि महारानी के महारानी का मेरा वेट कुछ अलग है मैं बहुत वेट है मेरा वजन ज्यादा है और तो उसका लुक अलग है और फिर जब कोविड रुका और दहाड़ की शूटिंग जब दोबारा शुरू हुई तो रीमा मुझे कॉल कर रही थी रीमा ने कहा तुम्हारे पिक्चर्स भेजो मैंने मेरी पिक्चर्स भेजे तो डर गई रीमा मैं एकदम मोटा हट्टा कट्टा हुआ बड़ा वहाँ से मुझे कॉल कर रही कि प्लीज बाबू लूज वेट लूज वेट तो वो एक बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए कि तो मुझे लगा कि मैं दो प्रोजेक्ट्स में इतना मेरे को टाइम लग रहा है तो इसलिए मैं कुछ और काम तो नहीं ले सकता पहले ये दोनों काम अच्छे से कर लेता हूँ फिर कुछ और लूँगा ंग बाई यू नो क्राफ्ट ऑफ वर्क यू अपन अब बस सिलेक्टिव हो प्रोजेक्ट्स चूज करने में यू नो यू आर नॉट जस्ट लाइक यू नो आउ देर कम्प्लीटली अमेडी रोल टू गेट इन डिट इज इट दैट बिकॉज देर इज दिस फ्यूर ऑफ यू नो जस्ट गेटिंग टाइम कास्ट विद द रूल्स नो नोट एट ऑल आई थिंक लाइक कॉमेडी इज माई फेवरेट जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल हेरा फेरी और अंदाजा अपना अपना येवरेट फिल्म है और मुझे इंडियन कॉमेडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं कि जब मैं हॉलीवुड की कॉमेडीज़ देखता हूँ तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर होता है कि मैं स्मॉल टाउन से हूँ हिंदी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ तो आई वुड लाइक टू डू मोर कॉमेडी फिल्म्स पर अगर आप धाड़ भी देखोगे तो उसमें हल्का सा कॉमिक रिलीफ लेके आता है ये कैरेक्टर तो ऐसा नहीं है कि टाइपकास्ट हो जाएगी तो मैंने इतना काम ही नहीं किया कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊँ <laughs> तो तो मेरे पास वो प्रिवलेज है बट uh, काम आई थिंक uh, पता नहीं क्या होता है कि शायद लोगों को लगता है कि इसको कहाँ फिट करें कि तुम्बाड़ की एक अलग है महारानी का एक अलग लुक है मुझे लगता है कि दहाड़ मेरा पहला ऐसा काम है जिसको देखकर आप सोच सकते कि हाँ इसको कोई रोल दे सकते हैं तो शिप ऑफ थी तुम्बाड़ महारानी बहुत ही स्पेसिफिक है मुझे लगता है एक तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको कैसे कास्ट करें

या हनी त्रिहान मुझे जानते थे तो उन्होंने मुझे तलवार में कास्ट किया आई डोंट नो पर मैं भी ये आंसर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे बहुत सारा काम करना है मुझे कॉमेडी करना है मुझे एक्शन करना है मुझे रोमांस करना है मुझे एक्शन पक्का करना है हम मेरी फेवरेट फिल्म है अमिताभ बच्चन की तो मुझे टाइगर जैसा कुछ रोल करना है तो पर देखते हैं कब मिलेगा

उन्होंने कहा सोह में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई नहीं। कह रहा है तो अपना बिल तुम पर फाड़ रहा है तो प्लीज टेक केयर कि तुम टाइम पर पहुंचते हो तो मुझे, क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत ही डीपली ये लगता है कि एक्टिंग एक्टर इट्स अ वेरी प्रिवलेज बिकॉज आई प्रोड्यूस एज अ तो मुझे लगता है कि एक्टिंग तो यार इससे मजेदार कोई जॉब नहीं है तो यू शुड बी वेरी सिंसियर आपके तो नखरे नहीं होने चाहिए आपके तो मतलब कंधे झुके होने चाहिए क्योंकि 200 लोग काम करते हैं और 300 लोग काम करते हैं और आपका फेस सबसे आगे होता है आप क्या काम करते हो 40 दिन शूट करते हो 20 तीस दिन तैयारी करते हो एक राइटर डेढ़ साल लगता है लिखाने में एक कितनी भागदौड़ होती है सेट पर आपको सबसे ज्यादा पैम्पर किया जाता है तो मुझे लगता है कि आपके तो कंधे झुके होने चाहिए एज एन एक्टर तो नखरे तो आपके दूर दूर तक नहीं होने चाहिए बाकी सब चीज़ों में इतनी जान लगती है जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो एक चीज़ आप शुरू करते हो तीन चार साल लग जाते हैं कि स्टोरी ज़ीरो से शुरू करो म्यूज़िक गाना शूट ओवर बजट जा रहा है फिर लोगों तक पहुँचाओ कैसे इट्स ए टफ जॉब मुझे चूज़ करना हो तो आई लव एक्टिंग कि मुझे प्रोड्यूस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो जो मैं जैसा काम करना चाहता हूँ वैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ बनते नहीं है तो आई हैव टू प्रोड्यूस तो डेफिनेटली ग्रेटफुल होना चाहिए एक्ट्रेस को मुझे लगता but है बट डू यू आल्सो समवेयर फील आई वुड नॉट कंपेयर टू ऑफ यू बट यू नो आमिर खान कैसे यू नो काफी परफेक्शनिस्ट है इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन मूवी उनकी फिल्म रहती वो यूनिक रहती यू नो डू यू समवेयर आल्सो फील यू आर समवेयर ऑन दोस लाइंस के चलो सोहम शाह का प्रोजेक्ट है यू you नो know, वो डिफरेंट ही होगा लाइक like, तुम्बार हैज हाँ सच यू नो इट पिक्ड अप सडनली लाइक एकदम से

मतलब हमारे लिए सीखने के लिए जो मैंने मेरी जिंदगी की पहली डेनिम पहनी थी वो सलमान खान को देख के पहनी थी उससे तो पहले हमारे मतलब स्टिच वाली पैंट शर्ट हुआ करती थी घर वाले वो ही दिया करते थे तो वही पहना करते थे तो मेरा भाई जयपुर जा रहा था तो मैंने कहा यार मुझे ऐसी डेनिम ला के देना तो मुझे अच्छे से याद है स्काई ब्लू कलर की डेनिम होती थी और डार्क ब्लू कलर का शर्ट होता था जो कपड़े पहनने का एक होता ना कि टीन में आपको शौक होता है शुरू होता है वो सलमान खान से शुरू हुआ था शाहरुख खान से आपको ऐसा लगा कि यार इतना चाम मतलब शाहरुख खान का पाँच परसेंट भी चाम नहीं है तो आपको जिंदगी जीने का कोई हक हाँ नहीं है और आमिर खान से सीखा कि यार काम के एथिक्स क्या होते हैं कि आ, कैसे एक ही काम करो पर शिद्दत से करो तो सक्सेस जो है बाई प्रोडक्ट है तो मुझे लगता है कि वो अगर ऐसा होता है तो उसका ये बहुत रहा है कि मेरे पर आमिर खान का बहुत इन्फ्लुंस रहा है आ, कि तुम भी शायद सात साल में इसलिए लगा पाया कि वो एक सीख थी आमिर खान से हुँ. कि वो कुछ कुछ भी करते हैं तो उनका ऐसा नहीं होता वो जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं बन जाता रिलीज़ उनकी रिलीज डेट आगे पीछे हो सकती है जब हुँ. तक उनका प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो आगे नहीं जाएंगे तो मुझे लगा कि यही तरीका है यहाँ पर और आ, मुझे लगता है कि मेरे लिए यही तरीका वर्क करता है कि कॉन्टेंट काम यही वर्क करता है कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि मैं कहीं जाऊँ और हाई करूँ और लोग कहें कि ये स्टार आ गया है तो आई थिंक माई रूट इज़ दैट कि हार्ड वर्क बट ऑल्सो सोहम यू नो टॉकिंग अबाउट द हार्ड आपका कैरेक्टर काफ़ी रिलेटेबल है यू नो इट्स ओके फाइन यू नो दिस पर्टिकुलर कॉप इज इन सच सच सिटुएशन और यू नो ऐसे हो रहा है वो हो रहा है वट डू यू हैव टू से बिकॉज यू नो इट्स कैचिंग अप ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम द कैरेक्टर एज सच के वो रियल लाइफ में यू नो यू कैन रिलेट टू सर्टन थिंगट वे आई थिंक लाइफ होती ऐसी आ, लोग ऐसे ही होते हैं मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन इस कैरेक्टर से यही है और जो सीखने का मुझे मिला कई बार ना हम बहुत जज कर देते हैं कि वेरी शेडी गाय ये बहुत ही मैस्कुलन है या वीमेन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है उसका कारण ये कि सोसाइटी में ट्रेनिंग ही नहीं है एजुकेशन ही नहीं है आप जो अपने आसपास से सीखते हो आप वो बनते हो वही आपको लगता है कि दिस इज करेक्ट कि लाइक आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर वुमेन आई हैव अ डॉटर और स्पेशली मुझे लगता है जब आपकी खुद की बेटी हो जाती है तो आपका परस्पेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है वो आपके लिए राजकुमारी होती है उसके नहीं। नहीं। लिए आप सब कुछ अच्छा चाहते हो पर माई मदर अभी भी मैं किचन में जाके चाय बना लूँ तो मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता उनको लगता कि नहीं तू क्यों काम करेगा एक कंडीशनिंग है उनको लगता है कि मुझे करना चाहिए ये करेक्ट कंडिशनिंग नहीं है तो मुझे लगता है कि लोगों को बाहर से जज करना बहुत आसान होता है लार्जली लोग अच्छे ही होते हैं इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव देर सिचुएशन कहाँ फंसे हुए हैं सोच क्या है ब्रिंगिंग क्या है सोसाइटी से क्या लिया है तो कैलाश से मैं ये रिलेट कर पाता हूँ कि Uh, वो करप्ट ऑफिसर हो सकता है क्योंकि उसने आसपास लोगों को रिश्वत लेते हुए देखा है तो उसको लगता है कि इट्स फाइन बट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग और मुझे लगता है हर आदमी होता है उसको ढूंढने की जरूरत है हर आदमी में एक काइंडनेस होती है एक एम्पथी होती है एक प्यार होता है एक सेंसिटिविटी होती है uh, पर हम हर आदमी की स्टोरी नहीं देख पाते तो कैलाश के थ्रू मैं वो बहुत सारे लोगों की स्टोरी uh, सुनाना चाहता हूँ कि जिनको आप बाहर से जज कर सकते हो पर दे हैव देयर स्टोरीज But also the the star cast is quite good. Like yeah. Sunakshi Sinha, Vijay Varma, you are yeah. there, you know, Gulshan is there. So, you know, with such a big star cast, the sometimes you know it's a fear. that you know, will my work get noticed or no? क्षी मैटर मुझे apprehensions मतलब है. मुझे hmm. मजा आता है hmm. मुझे आ सकता हूँ कि जैसे कि ये कैरेक्टर जो है इसके ब्रॉडस्टॉक्स जगह पे थे लिखा हुआ था मेरा काम था एज एन एक्टर में इसको क्या दे सकता हूँ तो वो जो कॉमिक रिलीफ है जो थोड़ा सा मैंने उसको इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की है हुँ. तो मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे काम करने को मिल रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्टिंग करना बहुत ही प्रिवेज का काम है तो हुँ. मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कि, कि किसको ज़्यादा हो रहा है किसको मुझे मेरा काम करने को मिल रहा है मुझे मज़ा आ रहा है दैट्स इट मेरे लिए चलेगा कि किसको कितना प्यार मिले नहीं मिले इसमें नहीं मिला किसी और में करेंगे यू कीप वर्किंग

तो क्योंकि मेरे हेड में डायरेक्टर जो सब कुछ वही है माई बाप वही है तो वो जो कहेगा आपको वो करना है आ, पर आप उस स्टेज पर एज एन एक्टर पहुंचना चाहते हो कि जिसमें आपको लगता है कि इसको कुछ भी दो ये कर लेता है तो मैं वहां पहुंचना चाहता हूं सो यू वांट टू बी दैट जुगाड़ काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक ये है मुझे करना है कैसे भी या 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 कि हां इसको कुछ भी दे दो ये कर लेगा तो uh, कई बार मतलब uh, कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं इनको लगता है कि यार कम मेहनत करनी पड़ेगी hmm. तो इसको ले लो wow. तो ये कुछ कर लेगा तो मुझे वहां पहुंचना है कि यार इसको ले लो कुछ कर लेगा ऑसम एंड बिफोर आई लेट यू गाइस वी जस्ट गोइंग टू प्ले अ वेरी स्मॉल सेगमेंट जस्ट टू ट्राई एंड नो यू मोर सो व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू हैव एवर टेकन इन योर लाइफ बिगेस्ट रिस्क आई हैव टेकन इन माय लाइफ तुम्बाड़ वेरी बिग रिस्क बहुत बड़ी फिल्म थी बहुत अलग फिल्म थी उस समय ऐसी फिल्में बनती नहीं थी वी एफ एक्स और ये और वो सात साल लगे बट आई थिंक इट पेड ऑफ इज इन इंटेंशन तो है definitely. Ah. और मतलब ये नहीं की तुम बाड़ को इतना प्यार मिला इसलिए बनानी है आई थिंक वो हमेशा से आइडिया था hmm. जब हम पहले भी बना रहे थे तो यार वो यूनिवर्स इतना मीठी है ना इतने सब कैरेक्टर्स है इतना नया है तो कि तुम बार टू भी बनाएंगे थ्री भी बनाएंगे hmm. छह बनाएंगे वाह ओके सो इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट द वर्ल्ड व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई आई थिंक जब uh, कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में एक बच्चा आया hmm. सात आठ साल का बच्चा होगा और उसने कहा कि बूट पॉलिश कर दूं क्या आपके मैंने कहा नहीं यार hmm. कि बहुत भूख लगी है खाना दे दो तो मेरा दिल टूट गया मुझे लगता है कि यार खाना एक ऐसी चीज़ है दो दुनिया में हर आदमी को मिलना चाहिए

What do you you take away from them? Like like you know, if I have to talk about the charm, how he उनका बिग स्टार जब आप उनसे मिलो तो इज वेरी वेलकमिंग और uh, आप उनसे मिलो तो आपसे लगता है कि शायसा कोई लड़का है मैं एक बार उनसे स्क्रीनिंग में मिला तो साइड में खड़े थे मुझे लगा जैसे 20-22 साल का लड़का भी आया ना बॉम्बे बहुत hmm. शायद सुपर डुपर स्टार तो ही इज वेरी वेलकमिंग तो लोगों को रिस्पेक्ट देने में प्यार देने में बात करने में तो मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब शाहरुख खान आपसे बात करते हैं तो आपसे ही बात करते होते हैं तो so, उतना अटेंशन देना की जबकि उनके हेड में तो सौ चीजें चल रही होंगी तो हिज वो मुझे बहुत पसंद आता है उनका और है वो मतलब चार्मिंग इंसान है यार मतलब वो जो इंटरव्यूज देते हैं तो वो जो बातें करते हैं तो मजा आ जाता है तो आपको लगता है कि यार इनके जैसा पाँच सात दस परसेंट चाम आ जाए तो मजा आ जाए और आमिर खान डेफिनेटली द चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं जिस समय बनाई हैं कि लगान कोई नहीं बनाना चाहता था तो उन्होंने बनाई मतलब तो वही अकेले स्टार हैं जो मुझे लगता है कि पंद्रह साल से उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी हैं लगान के बाद लगान रंग दे बसंती तारे जमी पर मुझे नहीं लगता कि बाहर भी किसी स्टार ने ऐसा किया होगा Correct. तो वो हर चीज खुद करते हैं और वो इज वेरी हार्ड वर्किंग ओके सो What is the most valuable lesson you have learned in your life so far? You can't control life. There is no free will. Hmm. Uh, you have to go with the flow. Surrender कर दो life के सामने जो दे रही है ice cream दे रही है ice cream खा लो jalebi दे रही है jalebi खा लो that's it that's the I think the most जो दे रही थी बड़ा पाव खा जो दे रही है diet diet में मतलब बड़ा दे बड़ा पाव दे रही है तो बड़ा पाव भी खा it's fine okay if you could trade places with anyone for a day who hmm. would it be and why शाहरुख़ कर हां एंड बाय चलो वो लूंजा सा आदमी मुझे लगता नहीं मुझे लगता है भगवान ने उनको ना स्पेशल टाइम वाइंड देके अच्छे से बनाया है हां क्वाइट पॉसिबल एक्चुअली नहीं नहीं उनका मतलब दिल आ गया कि यार मैं तुम्हें सब कुछ डाल दूंगा हां मैं तुम्हें तुम्हें हा, मतलब हा, मतलब तुम्हें 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 तुम पे थोड़ी मेहनत कर हाँ मतलब ही कैन प्रोड्यूस फिल्म ही कैन एक्ट फिल्म उनका एक आईपीएल का वो भी है क्रिकेट टीम भी है हीज चार्मिंग ही कैन डांस सब कुछ कर सकते हैं ओके सो व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड एंड हु गव इट टू यू माय फ्रेंड एक बार उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी आई टू बी वेरी ओवर पर्सन मैं बहुत सोचता था तो उन्होंने कहा था प्रैक्टिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग प्रैक्टिस करो तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक वो बहुत अच्छी थी महात्मा गांधी उनको और अच्छे से जानना चाहता था कि

चलो हम लोग को देखना चाहेंगे बिकॉज अगेन एस आई से कमिलियन कैरेक्टर सो गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट आई एम श्योर थैंक यू जमीना